आज आपको एक अजूबा दिखाने वाली और अजूबा इस तरीके का दिखाने वाले हैं कि बिना बरसात के बरसाती पानी, हालांकि ये बरसाती पानी नहीं बल्कि जमीनी पानी ज्यादा है। एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आपको, ये देख पा रहे हैं आप लोग, लगातार ये पानी जो है यहाँ पर ठहरा रहता है। आखिरकार ये पानी है किसका, तो आपको बता देती हूँ, ये पानी जो है हालांकि गवाह है बहुत सारे एक्सीडेंट्स का। जी हाँ, ये पानी गवाह है। ये पानी ना किसी कोर्ट के अंदर चल करके जाता है, ना इस पानी का कोई वकील है, ये पानी सिर्फ गवाह यहाँ पर ठहरा रहता है बन करके, क्योंकि ये पानी जो है बहुत सारे एक्सीडेंट्स करने की फिराक में रहता है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स ये करता भी है। हालांकि ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं पानी की, और ये देखिए गड्ढे जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये तस्वीरें आप ये लगातार देख पा रहे हैं हिसार के मिलगेट रोड की, जिसे गड्ढों की सड़क कहा जाता है, और लगातार यहाँ पर गड्ढे बरकरार है। हालांकि बहुत बार कंप्लेंट की जा चुकी है लेकिन गड्ढे नहीं भरे जाते। गड्ढे भरने की तो आप बात छोड़िए, यहाँ पर बिल्कुल सब्जी मंडी यानी कि नई सब्जी मंडी के गेट नंबर 2 के सामने निकलते ही पानी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अंकल जी, कितनी मुश्किल होती है यहाँ से जाने में? मुश्किल है। हाँ जी, एक्सीडेंट्स कितने होते हैं यहाँ? ये पता नहीं, नीचे कितने डूंगे हैं, खड्डे हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं कई बार हम। हाँ, तो आने जाने वालों को, माताओं बहनों को बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। बिल्कुल पता नहीं है यहाँ से कौन बच के निकले, कौन जिंदा निकले। अगर आप जिंदा निकल जाते हैं ना और बच करके निकल जाते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको बता देती हूँ सिर्फ यहाँ पर पानी ही नहीं भरा हुआ है बल्कि पानी भरने के अलावा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि गाय जो है आवारा पशु यहाँ पर घूमते हैं, गोबर यहाँ पर करते हैं। गोबर करने की वजह से जो है ये गोबर, जैसे जैसे व्हीकल्स आगे जाते हैं वैसे वैसे ये गोबर जो है कीचड़ और पानी के साथ जो है आगे चलता जाता है। और यहीं पर अगर आपने ब्रेक मार दी ना, जी हाँ आपको बता देती हूँ, गलती से अगर आपने इस रोड के ऊपर ब्रेक मार दी ना तो आपको गिरने से कोई नहीं बचा सकता। इसकी शिकार मैं खुद भी हुई हूँ 2 दिन पहले, बिल्कुल इसी जगह के ऊपर ब्रेक मारी थी और यहीं पर गिर करके जो है मेरी जो दोनों टांगे हैं वो टूट गई हैं। हालांकि आपको बता देती हूँ चोट बहुत ज्यादा लगी थी, क्योंकि जो भी यहाँ से गिरता है ना कोई भी बच करके नहीं जा पाता। अंकल जी, कितनी मुश्किल होती है इस रोड से जाने में? पूरा टीसल टीसल के गिरा, कितना के शीट फूट गए, फोटो दिखाओ उसकी, गेट की फोटो दिखाओ आप पब्लिक को, ये क्या हाल है? कई चोटें लगी हैं गेट पे टूटने से, यहाँ पे औरतों को बहुत नुकसान होता है गेट के ऊपर। दुनिया भर की व्हीकल यहाँ पर टूटी है, लेडीज पता नहीं कितने के सिर फूट लिए हमारी आंखों के सामने। अच्छा, यहाँ से कोई बच करके निकल जाए तो तोबा तोबा है, नहीं तो वो गया। दिखाओ वहाँ की फोटो दिखा दो, गाटर लगा रखे, गाटर की फोटो दिखाओ, गाड़ियाँ तक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अभी अपना भीम महाजन यहाँ के एमसी है ना, उनको कहा था, उन्होंने ठीक करवा दिया था, उसके बाद दोबारा कभी एक महीना हो गया। बुरा हाल है जी, बिल्कुल बुरा हाल है यार, कोई सुनाई नहीं करता है। भीम महाजन की पत्नी तो आती नहीं है, नहीं आता, कमल भी नहीं आया, कमल गुप्ता के जिंदगी में नहीं आया। हाँ हेलो, अभी अभी मैं जस्ट निकला था, वो किधर से गाड़ी आ गई, और मैं बूढ़ा आदमी में यहाँ पड़ गया, मेरे चोट लगी होती। अब ये रोड तो बहुत काफी पानी भर रहा है, ये खराब है, बैड एक्सीडेंट होने का खतरा है यहाँ पे। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए पानी इतना है कि अगर आपको यहाँ से कूद करके जाना पड़े तो आप कूद करके नहीं जा सकते। हालांकि अगर एक हाथ की दूरी अगर ये नापे तो आप लगा सकते हैं, एक हाथ की दूरी के अंदर जो है ये पानी यहाँ पर है। हालांकि घूम करके यहाँ से जाना पड़ेगा, एक बार घूम करके जा करके आपको दिखाती हूँ कि ये बिन बरसात का पानी यहाँ पे आया कहाँ से है। हालांकि कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक अंकल जी यहाँ पर थे, वो कहाँ गए? अच्छा आप बताइए, कितनी मुश्किलात होती है? बहुत मुश्किल होते हैं मैम, यहाँ पे कम से कम डेली 5 से 7 एक्सीडेंट होते हैं पानी की वजह से। और ये देखो मैम, इधर देखो, और कितनी गंभीर चोटें जो है लोगों को यहाँ पर आ जाती है, बहुत बहुत गंभीर चोटें आती है मैम। ये देखिए, ये कीचड़ दिखाना चाहूंगी यहाँ पर, बिल्कुल इसी जगह के ऊपर अगर आपने गलती से भी ब्रेक मार दिया ना, गलती से भी ब्रेक मार दिया, लोग यहाँ से डर डर के निकलते हैं, गलती से भी ब्रेक मार दिया तो बिल्कुल आप जाएंगे आगे और सिर जो है आपका कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। ये देखिए अभी आपको गाड़ी दिखाती हूँ, और ये देखिए बिल्कुल झूला बना दिया है इस रोड का, हिसार शहर के अंदर इस तरीके का झूलेदार रोड कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हिसार का मिलगेट रोड जो है बहुत फेमस है गड्ढों के लिए। पता नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। हालांकि कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, वो अंकल कहाँ गए? तो चले गए, इसका सावधान कराओ आप, इसका है बस, ज्यादातर तो इसका काफी लोग काफी मर चुके हैं यहाँ पे जी।
हाँ, इसका सावधान करा। लगभग कितने दिन के अंदर यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं? डेली होते जी, शाम सुबह डेली होते हैं, डेली। हाँ, अभी देख लेना आपके सामने होगा। हाँ, वाटर सप्लाई की लाइन है जी। हाँ, अच्छा, वो लीक कर गई है। अच्छा, ये वाटर सप्लाई की लाइन जो है वो यहाँ पर लीक की हुई है। हाँ, और लगातार मैं दिन रात यहाँ से आते हुए देखती हूँ, रोज यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हादसों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ से जाने वाले लोग अगर ब्रेक यहाँ पर मार देना, ब्रेक के अंदर मारते ही आपको कोई नहीं बचा सकता, आपका सिर फूटने से। अंकल जी, मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये पानी किस वजह से लीक हो रहा है? ये जी पानी की वो नीचे सीवर है। हाँ, पाइप है। हाँ, ये दो तीन बार कर गए, टेम्परेली कर जावे, एक महीना कौन पकड़े, फिर टूट जावे। अच्छा, हमने शिकायत इतनी कर ली इस पानी की वजह से। ये देखो, ये सीन दिखाइए उनको सीन। हाँ, यहाँ एक जनानी पड़ गई, उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के अंदर चोट लग गई। शायद रीढ़ की हड्डी, आपको बता देती हूँ, पूरे शरीर की बैकबोन होती है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आप चल नहीं सकते हैं पूरी जिंदगी। ऐसे मोटरसाइकिल तीसरे उसका, और वो जनानी बेचारी इधर पड़ गई। अच्छा, वो ऐसे मोटरसाइकिल लेके आए हुए, ऐसे तिसल गया, तिसलते आप चला के देख लो, आप भी तिसल के ना पड़ जाओ। मैं खुद हादसे का शिकार हुई हूँ। तीन दिन पहले मेरी खुद की एक्टिवा यहाँ स्लिप हुई है और मुझे जो है पैरों में बहुत ज्यादा चोटें आई थी। हालांकि लोग जो है बिल्कुल सही समय के ऊपर आ करके उन्होंने मुझे उठा लिया। हो सकता है कि जिस स्पीड से मैं गिरी थी तो मेरे सिर के अंदर भी चोटें लग सकती थी। इतना बुरा हाल इस रोड का हो चुका है, अगर मेरे सिर के अंदर चोट लग जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या प्रशासन उसका जिम्मेदार होता? इन एमसी को किसने वोट दे करके यहाँ पर एमसी बनाएगा? क्योंकि ये एमसी ना तो अपने घरों से निकल करके देखते हैं, अपनी विमेन कार्ड खेलते हैं, अपनी पत्नियों को यहाँ पर एमसी का चुनाव लड़वाते हैं, ना तो उनकी पत्नियां बाहर निकल करके आती है और ना ही वो खुद उम्मीदवार होने के नाते यहाँ पर निकल करके आते हैं। और एक बार दोबारा तस्वीरें आपको दिखा दूं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। और कम से कम 20 दिन हो गए टूटे के इसको पानी को। हाँ, 20 दिन से चल रही है ये लगातार। हाँ, और सुबह तो फुल स्पीड चलता है यहाँ पानी। हाँ, इसको सफाई ठीक नहीं करते इसको। बिल्कुल, आपको बता देते हैं यहाँ पर फुल स्पीड से पानी चलता है। ये देखिए अभी स्कूटी गई है, ये देखिए कितना गहरा गड्ढा है। ये देखिए बाइक गई है, कितना गहरा गड्ढा, बिल्कुल धक्का लगता है। एक बार कैमरे के अंदर दिखाना चाहूंगी, रेडी अभी जाएगी, देखिएगा आप कितना गड्ढा है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से गुजरना पड़ रहा है लोगों को। हालांकि ये तो वो जगह है जहाँ पर गहराई गड्ढे की ज्यादा नहीं है। बिल्कुल अगर आप यहाँ से आएंगे ना तो आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस पानी को क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी किस्मत है, अगर आप यहाँ पर गिर जाते हैं तो वो भी आपकी फूटी किस्मत है। आपकी फूटी किस्मत नहीं है, ये हमारी फूटी किस्मत है कि हमने ऐसे लोगों को वोट दे करके यहाँ पर जो है मेयर बनाया है, यहाँ पर विधायक बनाया है। उनकी तो छोड़िए, उन्होंने तो एमसी का चयन किया है, एमसी ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर बनाए हैं। हालांकि इस वार्ड का अगर एमसी की बात की जाए तो भी महाजन है यहाँ के। हाँ जी, ठीक है, भी महाजन को इन्होंने कंप्लेंट बहुत बार की है, लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते। जब फोटो खिंचवानी होती है तो बहुत भाग भाग करके आते हैं। आप देखिएगा उनके अलग अलग कैंपेन्स के अंदर फोटो दिखाई देंगी। लेकिन इस तरीके से रोड को ठीक करने के लिए भी महाजन एक दिन भी घर के बाहर नहीं दिखाई देते। उनकी पत्नी का नाम क्या है जो एमसी बनी हुई है, आपको पता है कि क्या नाम है? आपको बता देती हूँ, शायद ज्योति नाम है उनका, जो ज्योति महाजन उनका नाम है जो एमसी बनी हुई है। हालांकि नगर निगम के अंदर बहुत बार मीटिंग्स के अंदर जो है बेशक दिखाई देती हूँ, लेकिन ऑन रोड मैंने उनको आज तक काम करते हुए नहीं देखा है। एक दो बार मैंने भी महाजन से ये सवाल भी किया था कि आप जो है अपनी पत्नी की जगह के ऊपर जो है एमसी बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ की समस्याएं नहीं सुनते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मैं रोजाना गलियों के अंदर जाता हूँ, सबकी समस्या सुनता हूँ। क्या एमसी यहाँ पर आते हैं? नो मैम, मैं जानता नहीं, यहाँ का हूँ नहीं ना। जाने तो तब गए ना जब यहाँ पर आते हो, जब आते ही नहीं है तो जानेंगे कहाँ से। और ये देखिए आपको दिखाना चाहूंगी किस तरीके से लोग आ रहे हैं, और तस्वीरें एक बार करीब से दिखाना चाहूंगी, जूम करके आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अभी देखिएगा आप, ये साइकिल यहाँ से आती है, रेडी वाली साइकिल, और ये गड्ढे के अंदर गई। गड्ढे के अंदर तो छोड़िए, आवारा पशुओं की समस्या देख लीजिए, आवारा पशु भी यहाँ पर आते हैं, गोबर करके यहाँ से चले जाते हैं। बेसहारा पशु जिन्हें हम कहेंगे, बेसहारा पशु यहाँ पर आते हैं, और ये देखिए बेसहारा पशु यहाँ पर आते हैं, गोबर करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से
मिट्टी और पानी के साथ चिकनाहट जो है रोड के ऊपर ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर आपने यहाँ पर ब्रेक मारा ना, ब्रेक मारते ही आपका मुंह सीधा नीचे जाएगा। भाई मैं तो भुगत भोगी हूँ इस चीज की, 4 दिन पहले मैं तो बाल बाल बची हूँ, भगवान का शुक्र है कि मैं बच गई, क्योंकि जिस तरीके से मैं गिरी थी ना, उस तरीके से अगर शायद मेरी किस्मत थी शायद अच्छी कि मैं बच गई, अगर शायद कोई और होता तो उसका जो है कहीं ना कहीं सिर के अंदर गंभीर चोटें लग सकती थी। हालांकि हेलमेट लगाने के बावजूद भी हेलमेट मेरा एक साइड जा करके गिरा और मैं खुद दूसरी साइड जा करके गिरी हूँ। तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिर्फ यहीं का गड्ढा नहीं है, देखिए किस तरीके से अभी स्कूटीज यहाँ से जाएंगी। देखिए 1000 बार बता दिया है जिसको भी, जिस ठेकेदार को भी टेंडर दिया गया था मिलगेट क्षेत्र का कि रोड जो है ढंग से बनवाइए, अगर पैचिस आ जाते हैं बारिश के कारण, अगर पैचिस आ गए हैं तो उनको भरवा दीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग आते हैं परेशान होते हैं, लेकिन सबको पैसे खाने की पड़ी है। यहाँ पर ठेकेदार से लेकर के MC तक, या फिर आपको बता देती जो भी इससे जुड़ा हुआ है, आपको बता देते हैं कि सिस्टम से जो भी जुड़ा हुआ है, सबको सिर्फ पैसे खाने की पड़ी है, किसी को आम जनता की नहीं पड़ी। कोई जिंदा रहे मरे कुछ भी करे, उनको सिर्फ अपनी पड़ी है। कोई पैच वर्क नहीं कराना चाहता है, कोई गड्ढे नहीं भरवाना चाहता है, क्योंकि एक बार सिर्फ लीपा पोती करनी होती है सड़क बनवा करके, लीपा पोती कर दी, उनका काम खत्म, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। आपके शहर की सड़कों का क्या है हाल, और आप कितने ज़्यादा परेशान है इस मिलगेट की नई सब्जी मंडी के 2 नंबर गेट के सामने पानी लीकेज है, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, हालांकि यहाँ के MC तक तो ये बात ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। नमस्कार।